नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ मानसी श्रीवास्तव। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि SC ST केस में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। SC ST मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। SC ST एक्ट या फिर अन्य कानून जिसमें 7 साल या उससे कम सजा है उसके तहत आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 7 साल से कम सजा के मामलों में आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। आरोपी अगर नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में CRPC की धारा 41 और 41A का पालन करने का आदेश दिया है। सीधे गिरफ्तारी तभी संभव है जब यह आवश्यक हो। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस संजय हरकोली की बेंच ने ये बातें SC ST एक्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद 19 अगस्त को दर्ज एक FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कही। ये याचिका गोंडा के कांडरे थाने में राजेश मिश्रा के खिलाफ मारपीट SC ST एक्ट में मामले में हुई गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनरेश कुमार मामले में फैसला दिया था कि अगर किसी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अपराध की अधिकतम सजा 7 साल तक की है तो ऐसे मामले में CRPC 41 और 41A के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। जांचकर्ता को पहले सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी अनिवार्य है, वरना न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरफ्तार व्यक्ति की न्यायिक रिमांड नहीं लेगा। मानसी श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।